सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले कुछ इस टाइप की 3D फोटो एडिटिंग। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। सो अगर आप लोग इस टाइप से अपना फोटो एडिट करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो कर देना एक लाइक। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सो कर देना एक लाइक, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना होगा। देन ओपन करने के बाद आपको यहाँ से चला जाना होगा टूल्स पे। देन टूल्स पे जाने के बाद आप लोगों को कर लेना होगा रिसाइज। तो मैंने पहले से रिसाइज कर लिया था। एंड गाइस ऐसा कुछ, तो गाइस फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से चला जाना होगा ऐड फोटो पे। देन ऐड फोटो पे जाने के बाद आपको एक PNG मिलेगा, ठीक है, ये रोड का PNG मिलेगा। सो आप लोग ले आइएगा, और इस रोड के PNG को लाने के बाद गाइस आपको इस टाइप से बड़ा करके एडजस्ट कर देना होगा। एंड आपको ऐसे नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आपको मिल जाता है शैडो। एंड गाइस अगर आपका न्यू वर्जन पी कार्ड है तो आपको ये शैडो का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है न्यू वर्जन तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। और इस टाइप से इसकी सेटिंग कर लीजिएगा। देन ये इस टाइप से अपनी सेटिंग कर लीजिएगा इसकी, ठीक है। और फिर आप दूसरे ऑप्शन पर जाइएगा, तो क्या है ना, मैं इसको थोड़ा सा इस साइड रोटेट कर लेता हूँ नीचे के साइड, ओके। एंड मैं इसको थोड़ा सा इस साइड कर लेता हूँ, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपने अकॉर्डिंग करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ओके। तो अपने अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। देन मैं थोड़ा सा इसके ब्लर को कर लेता हूँ कम। एंड ऐसा कुछ होने के बाद यहाँ राइट पे कर लेता हूँ मैं डन, ओके। एंड गाइस आप लोग देख सकते हैं बढ़िया बैकग्राउंड बन चुका हमारा। सो गाइस फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ ऐड फोटो पे। देन ऐड फोटो पे जाने के बाद आपको स्काई का PNG मिलेगा, और इसके स्काई के PNG को लाने के बाद आपको ऐसा बड़ा करके एडजस्ट कर देना होगा। देन आपको यहाँ से ब्लेंड पे जाके इसे कर देना होगा स्क्रीन। एंड गाइस स्क्रीन करने के बाद आपको ऐसा ऊपर के साइड पर लगा देना होगा, ठीक है। और इस टाइप से लगाने के बाद गाइस यहां से कर लीजिएगा डन, ओके। एंड गाइस डन करने के बाद सिंपली फिर आप चले जाइएगा ऐड फोटो पे। देन ऐड फोटो पे जाने के बाद आपको बहुत सारी वर्ड के PNG मिलेंगी, ओके। सो इन PNG को आपको कुछ यहां पे लगा देना होगा इस टाइप से, ओके। एंड इस टाइप से लगाने के बाद यहाँ राइट पे कर लीजिएगा डन, ओके। सो गाइस इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस मैं यहाँ से चला जाता हूँ ऐड फोटो पे, एंड जो भी मेरा मॉडल है वही मॉडल ले आता हूँ मैं, ओके। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं अपने मॉडल के ले आया हूँ, और गाइस मैंने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से रिमूव कर लिया था। और अगर आप लोगों का नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, सो वो वीडियो देख के आप कर लीजिएगा, ओके। और इस टाइप से मॉडल को एडजस्ट कर लीजिएगा, और एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ से जाना होगा इसके ओपेसिटी पे। देन ओपेसिटी को कर देना होगा इतना कम। एंड यहाँ से जाना होगा इरेज टूल्स पे, और इरेज टूल्स पे जाने के बाद इसकी हार्डनेस को फुल एंड साइज को अपने अकॉर्डिंग करके आप लोगों को जो ये रोड है ना, ये रोड के पार्ट को कर लेना होगा इरेज। और इरेज करने के बाद आपको फिर मैं बता देता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। सो थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ इरेज। सो आप लोग देख सकते हैं मैंने इरेज कर लिया हूँ। तो गाइस इसके ओपेसिटी को मैं कर देता हूँ 100। एंड आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा फोटो लगने लग गया है। सो मैं यहाँ से कर लेता हूँ डन। एंड गाइस डन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से फिर चला जाना होगा ऐड फोटो पे। देन ऐड फोटो पे जाने के बाद आपको एक कार की PNG मिलेगी, ओके। और इसकी इस कार की PNG को लाने के बाद आपको कर लेना होगा इसे फ्लिप। एंड फ्लिप करने के बाद ऐसा छोटा करके आपको यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर देना होगा, ठीक है। और इस टाइप से एडजस्ट करने के बाद गाइस यहाँ राइट पर कर लीजिएगा डन, ओके। एंड गाइस डन करने के बाद सिंपली आप यहां से फिर चले जाइएगा ऐड फोटो पे। देन ऐड फोटो पे आने के बाद गाइस आपको यहां से जाना होगा। सो गाइस आप लोगों का ब्लैक कलर पहले से सेलेक्ट होएगा, ठीक है। और यहां से पेंसिल वाले आइकन पे जाके और इसका साइज थोड़ा छोटा करके आप लोगों को डाल लेना होगी शैडो। तो चलिए हम शैडो बना लेते हैं। सो शैडो बनाने से क्या है ना, हमारी फोटो एकदम रियल सा लुक आता है, थोड़ा जरा सा भी फेक नहीं लगती है। सो आप लोग शैडो जरूर डाल लीजिएगा अच्छे से, ओके। और इस टाइप से शैडो डालने के बाद मैं आपको फिर बता देता हूँ क्या करना पड़ेगा, ओके। तो पहले तो हम शैडो डाल लेते हैं, और शैडो डालने के बाद फिर मैं आपको बता देता हूँ, ओके। सो आप लोग देख सकते हैं मैंने शैडो डाल लिया। फिर भी आप लोग थोड़ा थोड़ा सा शैडो डालेंगे ना तो रियल सा लुक आएगा फोटो में, ठीक है। आप लोग शैडो जरूर डाल लीजिएगा, ओके। सो आप लोग देख सकते हैं हमारा पिक्सआर्ट में जो भी स्टेप था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ से 3 डॉट पर टैप करके फोटो कर लेता हूँ सेव। तो गाइस सेव करने के बाद मैं चला जाता हूँ लाइट रूम एप्लीकेशन पर, ओके। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं लाइट रूम एप्लीकेशन पे आ चुका हूँ। सो गाइस मैं यहाँ से चला जाता हूँ लाइट वाले ऑप्शन पे। देन मैं यहाँ से इसके ब्लैक को करता हूँ इंक्रीज, एंड वाइट को थोड़ा सा माइनस कर लेता हूँ मैं, ओके। और ऐसा कुछ होने के बाद मैं यहाँ से चला जाता हूँ अगले टूल्स पे। देन इसका टेम
टीम्स को मैं थोड़ा सा माइनस के साइड करता हूँ, ओके। सो ज़्यादा नहीं करता हूँ, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग करिएगा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट जो आपको आती है, ओके। एंड ऐसा कुछ होने के बाद गाइस मैं टीन को कर लेता हूँ इंक्रीज़, एंड थोड़ा सा सैचुरेशन को मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ओके। एंड ऐसा कुछ होने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ से चला जाना होगा मिक्स टूल पे, और आप लोग अगर आपका फेस बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है तो यहाँ से आप इसकी सैचुरेशन कम करके एंड लूमियंस को इंक्रीज़ करके आप वाइट कर सकते हैं, ओके। एंड गाइस मैं यहाँ से और कुछ नहीं करूँगा, यहाँ से कर लूँगा डन। एंड डन करने के बाद यहाँ से चला जाऊँगा अगले टूल्स पे, तो क्लेरिटी को डाल लेता हूँ मैं, एंड डीएच को डाल लेता हूँ, और विग्नेट इफेक्ट को कर लेता हूँ थोड़ा सा माइनस के साइड। एंड यहाँ से नीचे स्कोर करता हूँ तो मेरे को मिल जाता ग्रीन अमाउंट, तो ग्रीन अमाउंट आप डाल लीजिएगा ज़रूर। एंड साइज को कर लीजिएगा माइनस, ओके। एंड यहाँ से अगले टूल्स पे जाइएगा तो शार्पनिंग को डाल लीजिएगा, एंड नॉइस डिटेक्शन, एंड यहाँ से कलर नॉइस डिटेक्शन भी डाल सकते हैं आप लोग। और मैं यहाँ से शेयर वाले आइकन पर जाके फोटो कर लेता हूँ सेव। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारा फोटो गैलरी पे सेव हो चुका है। तो गाइस यार प्लीज़ इसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी नई नई वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। सो चलिए, जब तक के लिए बाय बाय।